हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे लगाएं, वो भी बहुत आसान तरीका से, वो भी प्रोफेशनल तरीका से, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड हमें अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। क्या आप लगा सकते हो बहुत आसान तरीके से? चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो इससे पहले जाने से पहले फ्रेंड, वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड, अगर आपको YouTube बैनर ना बनाना हो तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके आई बटन पे भी आएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले फ्रेंड मैं अपना YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ बिना बैनर का कैसा लगता है। तो जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर यूआर चैनल पर आ गया। चैनल पर आने के बाद फ्रेंड देख लो हमारा बैकग्राउंड किस तरीके का दिख रहा है, एकदम बैनर हमारा आर्ट्स नहीं लगा हुआ था, किस तरीके का दिख रहा है। आपको पेंसिल वाला आइकन आ रहा है, इस पर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड यहाँ से भी ऑप्शन है लगाने का, मगर मैं आपको आपके ब्राउज़र, आपके फ़ोन के ब्राउज़र में कैसे लगाते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको पहले सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है youtube.com/desktop। यहाँ पे सर्च कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद फ्रेंड ऊपर के साइड में, राइट साइड में आपको टॉप पे 3 डॉट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नीचे के साइड में आपको पेंसिल का आइकन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको आपको सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, पिक्चर, बैनर इमेज, वीडियो वाटरमार्क। तो हमें फ्रेंड लगाना है इसमें अपना बैनर इमेज। तो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड आपका जहाँ भी आपका बैनर आर्ट जो आपने एडिट किए हो, बनाए हो, अगर आपको बनाना नहीं आता तो फ्रेंड मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड मैं अपनी आर्ट्स को ले लेता हूँ, जिन्होंने मैंने यूट्यूब बैनर आर्ट्स एडिट किया उसको ले लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से डन कर लेना। डन कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया, यदि कि फ्रेंड लिखा हुआ कस्टमाइज बैनर आर्ट। लगा लेने के बाद फ्रेंड नीचे के साइड में यहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके डन कर देना। डन कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको ये देखिए फ्रेंड कंप्यूटर में इस तरीका से दिखेगा, ये देखिए फ़ोन में इस तरीका से दिखेगा, लैपटॉप में इस तरीका से दिखेगा और कंप्यूटर में इस तरीका से दिखेगा। तीनों तरीका का आपको फ्यूचर दिख गया। लगा लेने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से ऊपर के साइड में जूम करके छोटा कर लो उसका, देख लो ऊपर के साइड में, राइट साइड में टॉप पे देखिए आपको पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड ये हमारा लग चुका है, देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे लिखा गया पब्लिक सक्सेसफुल। हो जाने के बाद ये हमारा लग चुका है। लग जाने के बाद फ्रेंड हम बैक कर लेना, आपको मैं यूट्यूब में दिखा देना। यूट्यूब एप्लीकेशन में आना, यहाँ पे आपको बैक कर लो यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड इस तरीका से हमारा लग गया। तो इस तरीके से बेहतरीन आपको आर्ट्स लगा सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट।